तो दोस्तों खाओ पियो मस्त रहो बिंदास रहो टेंशन कम लो और रंगों की तरह अपनी भी जीवन को आप लोग रंगीन बनाते चलो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मार्च 9, 2020, डे है आप लोगों के लिए मंडे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए डेली द हिंदू से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर रहा हूं अन अकेडमी के आर्टिकुलेट चैनल पे। उसे देखने के लिए ऊपर आई वाला बटन दबाकर आप लोग देख सकते हो। ओके, ऊपर आपको एक आई वाला बटन मिल जाएगा। आपको आज द हिंदू के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और वो कौन कौन से जीएस पेपर से बिलोंग करती हैं उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने है। ये लिस्ट आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड हो जाती है। आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 1 पे हम लोगों को देखने को मिलता है। पेज नंबर 1 पे आई है हमारे सामने एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एजुकेशन ने सबमिट किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी और प्लेग्राउंड। हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, 50% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके पास ना ही बिजली की सुविधा है ना ही उनके पास प्लेग्राउंड्स हैं। यहाँ पर 2021 डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर स्कूल एजुकेशन जो सबमिट की गई राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये एक बड़ा कंसर्न जताया है कि जो बजटरी एलोकेशन है उसके अंदर 27% कट देखने को मिला है फ्रॉम प्रपोजल्स मेड बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब आप खुद अंडरस्टैंड करो कि 50% से ज़्यादा स्कूल्स के पास जब इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है और ऐसी कंडीशन में जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल के बारे में बात करते हैं वहाँ पर स्कूली छात्रों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है। और हम लोग आज की डेट में एक मिशन चला रहे हैं, दैट इज डिजिटल बोर्ड के मिशन, डिजिटल बोर्ड चला रहे हैं। पहले मिशन ब्लैक बोर्ड हम लोगों ने चलाया था जहाँ पर कैसे इसको डिजिटल करने की बात हो रही है। अब इन चीज़ों को हम लोग डिजिटल कैसे करेंगे जब हम लोग बिजली ही नहीं पहुँचा पाए। नोटिंग सिमिलर 27% रिडक्शन फॉर द सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल, जो पैनल है उसने रिकमेंड किया है कि जो कोर स्कीम्स हैं उनको हम लोगों को एस्टिमेट फंडिंग दे देनी चाहिए। राइट हैंड साइड पे आप लोगों के लिए एक मैप आ रहा है जो कि कह रहा है कि ऑलमोस्ट 3 out of 4 गवर्नमेंट स्कूल्स इन ओडिशा डिड नॉट हैव अ प्लेग्राउंड। जस्ट अंडरस्टैंड, 3 out of 4 स्कूल्स के पास कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है। मैप आपको शोकेस कर रहा है दी परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैड प्लेग्राउंड एज ऑफ 2018, जिनके पास प्लेग्राउंड है। ओके, बिहार के अंदर 34.8% स्कूल्स के पास ही प्लेग्राउंड है, उड़ीसा के अंदर सिर्फ 27.11% स्कूल्स के पास ही प्लेग्राउंड है, बाकी के पास प्लेग्राउंड है ही नहीं। तो अगर खेलेगा नहीं इंडिया तो कैसे का कैसे अपना जो ब्रेन है उसको और भी ज़्यादा एक ब्रिलियंट ब्रेन बनाएगा इंडिया। ओके, सो जी पैनल जो है उसने इस पर्टिकुलर कंसर्न को एक्सप्रेस किया। यहाँ पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े किए गए। बोला गया कि सिर्फ 56% जो स्कूल्स हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है और सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी रेट मणिपुर और मध्य प्रदेश के स्कूल्स में है, जहां पे 20% से भी कम स्कूल ऐसे हैं जिनको बिजली की सुविधा प्राप्त हो पाती है। लेस देन 57% ऑफ स्कूल्स हैव प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग लेस देन 30% ऑफ स्कूल्स इन ओडिशा एंड जम्मू एंड कश्मीर। यह यहाँ पर हमारे सामने निकाला है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2017-18 के सर्वे ने। पैनल ने यहाँ पे बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को एमजी नरेगा स्कीम के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जिससे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स हम लोग बनवा सकें। तो मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 7, आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। ऑल दो ये वाला जो टॉपिक है इससे सवाल यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिक्स में बनेगा। बात तो यहाँ पे कि जो पूना सिटीजन डॉक्टर फोरम है जो कि एक बॉडी है जिसका मेन मकसद है लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करना, डॉक्टर्स के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करना कि यहाँ पर एथिकल रैशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। क्योंकि आप आज देखो नागरिकों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स से भी वो थोड़ा सा बिलीव कम करते हैं बिकॉज ऑफ द करप्शन प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन। और यहाँ पर बात हो रही है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग को प्रमोट करने की। सवाल आप लोगों के लिए आता है कि भाई ये कॉर्ड ब्लड बैंक होते क्या हैं। गाइस, कॉर्ड ब्लड बैंक वो फैसिलिटीज होते हैं जहाँ पर आपकी अम्ब्रिकल कॉर्ड ब्लड को स्टोर किया जाता है जिससे उसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स जो कि यहाँ पर
किसी भी अन्य ऑर्गन के अंदर, किसी भी तरीके के टिश्यू के अंदर दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, चाहे प्राइवेट हों या पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक्स हों, दे हैव डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द पोटेंशियल फॉर द कॉर्ड ब्लड, कि जो कॉर्ड ब्लड होता है वो बहुत सारी डिजीजेस को ख़त्म करने में और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में भी काम आता है। गाइस, जो कॉर्ड ब्लड बैंक कलेक्शन होता है वो एम्ब्रिकल कॉर्ड का होता है, जब उसको कट किया जाता है जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, और अराउंड 75 ± 23 ml ऑफ जो यहाँ पर जो ब्लड होता है उसको अलग कर दिया जाता है नवजात शिशु से। इट इज़ डन विद इन 10 मिनट्स ऑफ गिविंग बर्थ। एडिशनल स्टेम सेल्स मे बी कलेक्टेड फ्रॉम प्लेसेंटा। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई। तो कोर ब्लड बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करती हैं, दे आर ऑफरिंग पैकेज बिटवीन एनीवेयर 50,000 to 1 lakh रुपीज टू स्टोर एंड प्रिजर्व दीज सेल्स इन अ वेरी राइट कंडीशन। वाइस हमारे देश की जो ICMR है वो इस पर्टिकुलर चीज़ को रिकमेंड नहीं करती कि स्टेम सेल बैंकिंग को कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि ICMR का ये कहना है कि अभी तक कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि अगर हम लोग कोर्ड ब्लड को फ्यूचर के लिए यहाँ पर प्रिजर्व कर लेंगे तो उसका सेफ यूज़ होगा और इससे कोई भी एथिकल या सोशल कंसर्न्स नहीं पैदा होंगे, बल्कि इससे जो चांसेस हैं वो इस चीज़ के ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सोशल और एथिकल कंसर्न्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टेम सेल बैंकिंग कंपनीज हैं उनके बीच में आ जाएगा एक नेक्सस, और कहीं ना कहीं डेटा लीकेज का भी एक बहुत बड़ा इशू इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। गाइस, जो ग्लोबली कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है, इट इज़ रिकमेंडेड एज सोर्स ऑफ हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल्स। हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? ये वो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो से ड्राइव होते हैं या ब्लड से ड्राइव होते हैं, अम्ब्रिकल कॉर्ड ब्लड से ड्राइव होते हैं, ओके? और इनको यहाँ पर हम लोग जो कैंसर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इन द पेज नंबर 7, गाइस, सैनिटरी पैड डिस्पोजल बैग्स मस्ट फ्रॉम नेक्स्ट जनवरी, सेज मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बड़ी स्टेटमेंट बोली है कि सेंटर मैंडेटरी कर देगा सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि वो हर एक सैनिटरी पैड के साथ बायोडिग्रेडेबल बैग भी प्रोवाइड करेंगे। जावड़ेकर जी ने एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जताई है कि ये रूल शुरू से ही एग्जिस्टेंस में है, बट जो सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इस रूल को सही तरीके से अप्लाई ही नहीं करती। हम लोगों ने ये देखा है कि जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं या डायपर्स होते हैं उनका यूज़ देश के अंदर दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है, बट उनको फिर भी डिस्कार्ड किया जाता है इन अ वेरी हार्मफुल वे, बिकॉज उनके लिए कोई भी बायोडिग्रेडेबल स्पेसिफिक बैग्स नहीं दिए जा रहे हैं कंपनी द्वारा, जो कि कंपनी को देने चाहिए इन द रियल नॉर्म्स। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप्स में बोला गया कि क्लीनिनेस नॉर्म्स ऑलरेडी इन्फोर्स, चाहे वो म्यूनिसिपल एरियाज़ हों और वो धीरे विलेजेस के अंदर भी अप्लाई हो रहे हैं, उन विलेजेस के अंदर जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है, वी मस्ट फॉलो दी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, जब हम लोग गारबेज को थ्रो आउट कर रहे हैं, एंड देर इज़ अ रूल इन प्लेस फॉर कंपल्सरी पिकिंग ऑफ गारबेज एंड डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल टाउन्स, और ये रूल को कंपल्सरी किया गया है फॉर ऑल हैबिटेशन जहाँ पर 3,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 8, खबर मिलती है हम लोगों को, दो हंटर्स लूज इंटरेस्ट इन रेड पांडा, ट्रैप्स स्टिल स्नेयर एंडेंजर्ड मैमल। यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में भी बात हुई, तो बेसिक्स में हम लोग ट्रैफिक के बारे में कवर करेंगे, और आज शाम को जो आप लोगों के लिए 5 बजे MCQ का टेस्ट होने वाला है उसमें ट्रैफिक से एक सवाल भी आपके लिए आने वाला है। नाउ गाइस, हुआ क्या है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारा आइकॉनिक एंड एंडेंजर्ड रेड पांडा है अब उसके हंटर्स कम हो गए हैं। कारण, बिकॉज जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है लोगों का इंटरेस्ट हिमालयन जो रेड पांडास हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए कम हो रहा है, जो क्रेज़ है वो कम हो रहा है। यदि भी रिसेंटली चाइना की एक स्टडी आई थी जिसमें बोला गया था कि जो हिमालयन पांडास हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और जो चाइना में पाए जाते हैं वो दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, और DNA की मैपिंग की मदद से ये एक बड़ी डिस्कवरी हमारे सामने आई थी। गाइस, जो इंडियन साइड के जो हिमालयन पांडास होते हैं उनके चेहरे पर वाइट स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं, और जो चाइनीज़ पांडास होते हैं उनके चेहरे पर रेड स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। हाउएवर, रेडिश ब्राउन एर्बोरियल मैमल नॉट क्लोजली रिलेटेड विद द आइकॉनिक ब्लैक एंड व्हाइट जायंट पांडा, जो ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों ने पांडा देखे होंगे ना जो आपको चाइना के अंदर भी देखने को मिलते हैं, तो उन पांडा से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, बट
दिस इज द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ जीनस ऑफ एलरस एंड रेड पांडा को एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर डाला गया है IUCN की कैटेगरी में एंड इट इज द ओनली लिविंग फॉसिल ऑफ दिस पर्टिकुलर जीनस। एस्टिमेशन यही है कि अराउंड 14,500 एनिमल्स ही बचे हैं नेपाल भूटान इंडिया चाइना और म्यांमार के अंदर। रिपोर्ट जिसका टाइटल था असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड एंड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया एंड सेलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्री, उसने यहाँ पर 10 साल के पीरियड को यहाँ पर देखा जुलाई 2010 से लेकर जून 2019 तक और एनालाइज किए कि पोचिंग के केसेस और इलीगल ट्रेड के केसेस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। विलेज लेवल सर्वे किया गया ई कॉमर्स साइट द्वारा। यहाँ पर बताया गया कि अराउंड 5,000 to 6,000 रेड पांडाज आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन 4 इंडियन स्टेट्स। या सिर्फ 4 इंडियन स्टेट्स में हमें 5,000 to 6,000 रेड पांडाज देखने को मिलते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, जहाँ चाइना में 6,000 to 7,000 हमें पांडाज देखने को मिलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड पांडाज। नेपाल के अंदर अराउंड 580 एनिमल्स देखने को मिलते हैं और भूटान और म्यांमार के अंदर वी हैव नो एस्टिमेशन कि कितनी यहाँ पर इस एनिमल की पॉपुलेशन है। रेड पांडास को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है अराउंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर विच प्रिज्यूम टू होल्ड द लार्जेस्ट रेड पांडा पॉपुलेशन इन आर कंट्री। रिसर्च ने यहाँ पर यह भी बोला है कि नाइदर इंडिया नॉर भूटान हैड रिपोर्टेड एनी इंसिडेंट ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। ना ही इंडिया ना ही भूटान में कोई भी इलीगल पोचिंग इलीगल ट्रेड के और इलीगल हंटिंग के कोई भी केसेस अभी तक सामने नहीं आए हैं। बैक टू द बेसिक्स में आप लोगों के लिए ट्रैफिक के बारे में चीजें। गाइस व्हाट इज ट्रैफिक? ट्रैफिक इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कंटेक्स्ट में वर्क करती है। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN ने स्टार्ट किया था। WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने स्टार्ट किया था 1976 के अंदर, जिससे एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जा सके। एक रिसर्च ड्रिवन प्रोसेस आए, एक एक्शन ड्रिवन प्रोसेस आए, जिससे हम लोग नई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर सके कंजर्वेशन सॉल्यूशन के अंदर। गाइस मैंने आपको साइट्स के बारे में बहुत बार डिस्कशन में लिया है, व्हाट इज साइट्स है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताना है। गाइस ट्रैफिक का हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसका मेन मकसद है टू एंश्योर दैट जो भी ट्रेड हो रहा है वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वो कोई भी हमारे नेचर के लिए बड़ा थ्रेट ना हो। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट मेनी स्पीसीज आर एंडेंजर्ड। बहुत सारी स्पीसीज एंडेंजर्ड हो गई हैं, खासकर यहाँ पर जैसे राइनोज हैं, ओके, जैसे अफ्रीकन राइनोज के बारे में यहाँ पर बात हुई। पेज नंबर 10 हम लोगों को खबर मिलती है यहाँ पर देश के डेटा स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करते हुए, एडिटोरियल पार्ट रिलेटेड विद योर GS पेपर नंबर 3। ऑन February 28 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सामने नए GDP के एस्टिमेट्स रखे फॉर दी अक्टूबर टू दिसंबर 2020, जिसने यहाँ पर शोकेस किया कि जो डोमेस्टिक आउटपुट है वो हमारी बड़ी एट 4.7% एट कॉन्स्टेंट प्राइस एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। एज द थर्ड क्वार्टर ऑफ GDP वॉज मार्जिनली हायर, जो तीसरा क्वार्टर था वो थोड़ा सा ऊपर रहा सेकेंड क्वार्टर के मुकाबले, फिगर 4.5% थी सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में अभी हम लोगों ने डिस्कशन में लिया 4.7% थी। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर किस तरीके से की जाती हैं और पिछले 6 क्वार्टर में हमारा जो स्लो डाउन है वो और भी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, और जो करंट क्वार्टर चल रहा है इसमें सबसे बड़ा रोल कोरोना वायरस निभा सकता है। क्वेश्चन आता है कि क्यों जो क्वार्टर वन है और जो क्वार्टर टू के जो GDP एस्टिमेट हैं उनको ऊपर रिवाइज किया गया। तो आंसर सिंपल है यहाँ पर कि मैनी व्यूड द रिवीजन ऑफ द लास्ट ईयर्स एस्टिमेट एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी है उस चीज़ की कमी है, इसलिए डाउट सामने आ जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोगों को रिजॉल्व करना है। जो GDP फिगर्स 2015 में सामने रखी गई थी जब स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक नई सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को रिलीज़ किया था 2011-12 के बेस ईयर के साथ, तो क्रेडिबिलिटी की कमी यहाँ पर बताई जा रही है। एक बड़े सवाल का जवाब इस आर्टिकल ने आपको दिया कि क्यों जो एनुअल GDP एस्टिमेट हैं उनको हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं, वाई दे रेगुलरली गो अंडर रिविजन, एंड हाउ क्वार्टरली आउटपुट एस्टिमेशन इज रिलेटेड टू द एनुअल फिगर्स। एक क्वार्टरली जो डेटा होता है उसका एनुअल फिगर से क्या रिलेशन होता है? गाइस देखो, जो GDP का जो डेटा होता है दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल कंस्ट्रक्ट।
टेम्परेचर या थर्मामीटर की तरह तो नहीं है कि वो एकदम से यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं देश के इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, इनकम के बारे में, और उसके बेसिस पे जीडीपी का डेटा हम लोग सबके सामने रखते हैं। बहुत सारे स्टेटिस्टिकल मॉडल और मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाता है जिससे जीडीपी को कैलकुलेट हम लोग कर सकें। और ये जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं ये हम लोगों को मिलती हैं यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग की तरफ से। जो जीडीपी रिवीजन है इट फॉलोड द लेटेस्ट 2008 एडिशन ऑफ द यूएनएसएनए, बिकॉज बहुत सारे लैग्स थे हमारे प्राइमरली डेटा के अंदर। और जो जीडीपी एस्टीमेट हैं वो बहुत सारे रिवीजन के अंदर जाते हैं पूरी दुनिया में, पर चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता, चाइना के अंदर रिवीजन का कोई भी प्रावधान नहीं है। जीडीपी एस्टीमेट्स हमारे देश में दे आर रिवाइज अराउंड 5 times ओवर नियरली 3 years, पिछले 3 सालों में ही हम लोगों ने 5 बार अराउंड जीडीपी डेटा को रिवाइज़ किया है। इनिशियल 2 rounds थे वो एडवांस्ड एस्टीमेट्स के थे जिनको प्रिपेयर किया गया था हाई फ्रिक्वेंसी प्रॉक्सी इंडिकेटर्स की मदद से, फिर 3 round हुए यहाँ पर जो भी डेटा अलग अलग सेक्टर्स से मिला। 1999 के अंत से अगर आप लोग देखोगे जो क्वार्टरली जीडीपी एस्टीमेट है वो प्रिपेयर किए गए, उससे पहले नहीं होता था, बिकॉज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का जो डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स है वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को पहले क्वार्टरली डेटा देना है और फिर यहाँ पर हम लोगों को ईयरली डेटा देना है, और क्वालिटी यहाँ पर उतनी ही मेंटेन की जाती है। एंड बट जो प्राइमरी डेटा है इट नीडेड क्वार्टरली आर मोस्टली लैकिंग, जो कि बेसिक डेटा चाहिए होता है वो देश में हमें मिल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल नियरली 1/2 ऑफ द इंडिया GDP ओरिजिनेट्स इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर, हमारे देश का 50% से ज़्यादा अगर GDP देखेंगे तो वो अनऑर्गनाइज सेक्टर से जनरेट होता है, जिसकी आउटपुट को हम लोग सही तरीके से कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। इस कारण से यहाँ पर जो एस्टीमेट्स हैं जो हम लोगों को मिलते हैं रेशियो से, प्रोपोर्शन से, प्रोजेक्शन से, उनको हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं। नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स सोर्स एंड मेथड 2012, जो कि एक ऑफिशियल गाइड है हमारे देश के नेशनल अकाउंट्स एस्टीमेशन की, वो कहती है दैट द प्रोडक्शन अप्रोच इज यूज फॉर कंपाइलिंग QGDP एस्टीमेट। तो हम लोग प्रोडक्शन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसमें कुछ बेंचमार्क इंडिकेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडस्ट्री ग्रुप के कुछ इंडिकेटर्स हुए, की इंडिकेटर्स हुए यहाँ पर डेटा के किस वॉल्यूम में, किस क्वांटिटी में डेटा यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर आउटपुट और वैल्यू एडेड एस्टीमेट्स को लिया गया। ओके, तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके हम लोग डेटा कैलकुलेट करते हैं। इस आर्टिकल को कंक्लूड करते हुए इंडिया का जो क्वार्टरली GDP एस्टीमेट है दे हैव लिमिटेड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इन देम, इसलिए जो अभी भी डेटा आ रहा है उस पर हम पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। दे रिविजन आर लार्जली एक्स्ट्रापोलेशन, और जो प्रोजेक्शंस होती हैं फिगर्स की वो ऑन जस्ट एस्टिमेशन होती हैं, इसीलिए हम लोग बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 11 पे हमें एक ग्राफिक्स देखने को मिलता है येस बैंक से रिलेट करते हुए। ओके, कि येस बैंक यहाँ पर फॉल क्यों हुआ, क्योंकि लोन बढ़ गया, प्रोविजनिंग रेशियो कम था, प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही थी। ओके, अब यहाँ पर इसके साथ साथ बैड लोन मल्टीप्लाई हो रहे थे, कॉन्फिडेंस गिर गया था, और इन्वेस्टर्स को लगा कि ये पूरा बैंक तो अब डूब ही जाएगा, बैंक को बचाने का अब कोई भी यहाँ पर मकसद नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक जो पैराग्राफ जो आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है, दैट इज़ द लोन्स फ्री एंड हाई NPA मेंट पुअर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर यहाँ पर लोन बढ़ते जाएंगे एक बैंक के ऊपर और NPA हाई हो जाएंगे, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है, और येस बैंक के साथ ये हुआ, जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पर 1% पर गिर गई। तो रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकाला जाता है, ROA कैसे निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। इस ROA कैलकुलेट होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट, याद रखना ROA होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट, और जो NPA हम लोग डिवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं कि 90 डेज से ज़्यादा जब यहाँ पर लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहाँ पर फॉल आउट हो जाता है तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ भी देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट बैंक कैसे चल रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देखो HDFC को, ओके, HDFC इज़ अ DSIB डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, ये वो बैंक होते हैं जिनका यहाँ पर टर्नओवर जो टोटल वैल्यू है वो 2% ऑफ द GDP से ज़्यादा हो जाती है, उन्हें DSIB कहते हैं, उनको टू लार्ज टू बी फेल्ड बैंक कहते हैं। और हमारे देश में 3 बैंक हैं, SBI है, ICICI है, और यहाँ पर HDFC है। ये 3 बैंक ऐसे हैं जो कि DSIB बैंक हैं।
अब HDFC का देखो बहुत ही मिनिमल लेवल पे यहाँ पर जो NPA है वो चल रहा है। ICICI का देखो, ऑल्दो ICICI का कितना रेज हो गया था, ओके, यहाँ पर एक बड़ा केस भी आ गया था ICICI का, बट फिर ICICI ने कंट्रोल किया, ओके। यहाँ पर SBI का भी अच्छा खासा यहाँ पर लोन परसेंटेज है, बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अब ICICI के बाद किस बैंक का नंबर है डूबने का, तो वो एक्सिस बैंक हो सकता है, जिस तरीके से ग्राफ हम लोगों को नज़र आ रहा है। बट एक्सिस बैंक ने यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नाउ पेज नंबर 13, आज के लास्ट पैराग्राफ है, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप डायलॉग विद US पोस्टपोन। तो यहाँ पर इंडिया और US की मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप के बीच में एक बड़ा डायलॉग होना था, शेड्यूल था इसी महीने के आखिर में, बट कोरोना वायरस 19 के आउटब्रेक के बाद जो प्रपोज ट्रिप थी US डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर की, उसको थोड़ा सा कैंसिल आउट या पोस्टपोन करने की बात हो रही है। तो इंडिया इज कंसिडरिंग US रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनिंग लायसन ऑफिसर एट द US इंडो पैसिफिक कमांड एंड द US ऑफिशियल का ऑपरेशन कमांड, ओके। और इस डायलॉग को यहाँ पर डिस्कशन में लिया जाएगा। जो MCG डायलॉग है, इट इज़ टू बी हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स दिस टाइम, इस बार ये US के अंदर होने वाला है और इसको कैंसिल कर दिया गया है। जो MCG फोरम है, ये फोरम होती है टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियाज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड US सेम पार्टनर एट द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल। जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होता है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग दी आर्म्ड फोर्सेज, जब तक कि CDS की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर डायलॉग किया जा रहा था। सो आज के सेशन में आप लोग के इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। MCQ सेशन में भी आप लोग मुझे जुड़ सकते हो, कल का MCQ देखना भी आप लोग बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस होली टू यू ऑल।